नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव केसरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इंट्राडे मेंटर्स कॉल पे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का अपना टॉपिक है निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी करेंसी हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, सबके सब केवल एक रूल फॉलो करते हैं दोस्तों, वो है सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, यह बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको एक बार सीखने का जरूरत है, उसके बाद ये लाइफ टाइम अर्निंग देगा। दोस्तों, मार्केट में सक्सेस होना है तो केवल और केवल सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही आप सक्सेस हो सकते हैं, उसके अलावा दूसरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है दोस्तों, एज पर माई व्यू। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। तो निफ्टी के चार्ट पर जाने से पहले हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट एक बार विजिट करते हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम का रहता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का डेली का चार्ट लगाया हुआ है आप लोग के सामने में, और ये डेली का जो कैंडल है ये निगेटिव कैंडल बन रहा है दोस्तों। इट मीन्स डैट कि कल हो सकता है जो मार्केट होगा और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है, और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा एज पर माई व्यू, क्योंकि जो अपना यूएसडी आईएनआर होता है वो अपने इंडियन मार्केट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। अगर यूएसडी आईएनआर अपना निगेटिव है तो इंडियन मार्केट पॉजिटिव होगा, और अगर यूएसडी आईएनआर अपना पॉजिटिव है तो इंडियन मार्केट अपना निगेटिव होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। तो दोस्तों, मैंने आपको निफ्टी पे क्या बताया था, मैंने आपको निफ्टी पे ये बताया था कि ये एक क्वालिटी का डिमांड जोन है और ये एक क्वालिटी का सप्लाई जोन है दोस्तों। हालांकि आज प्राइस दोनों में से किसी भी लेवल पे नहीं पहुंच पाया है, ना ये क्वालिटी सप्लाई पे पहुंच पाया है, ना क्वालिटी डिमांड पे पहुंच पाया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तो दोस्तों, अगर हम ट्रेंड देखेंगे, अगर हम निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे तो ये 1 आवर में डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें शो कर रहा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट है और ये हमें लगातार नीचे की ओर लोअर लो लोअर लो लोअर लो देता हुआ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ट्रेंड में 1 आवर में जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमें जो ट्रेड यहाँ पे सेटअप किया है, ये क्वालिटी का डिमांड जोन है दोस्तों, ये क्वालिटी का सप्लाई जोन है दोस्तों, ठीक। इस क्वालिटी के सप्लाई जोन पे ना ही अभी प्राइस आया है, ना ही इस क्वालिटी के डिमांड जोन पे आया है। ये सप्लाई जोन क्या है दोस्तों, ये सप्लाई जोन दोस्तों, ये जो क्वालिटी का सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन का जो रेंज है वो 18,494 रुपये से लेकर के 18,553 रुपये के बीच का है। तो दोस्तों, इस लेवल पे अगर प्राइस आता है तो हम यहाँ से निफ्टी को डेफिनेटली नीचे की तरफ शॉर्ट करेंगे दोस्तों, यानी पुट बाई करेंगे यहाँ पास, ठीक है, पुट बाई करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे ही प्राइस आता है तो दोस्तों इस लेवल से हम डेफिनेटली निफ्टी को शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, निफ्टी पर शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और प्राइस को नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है। और अगर नीचे वाले लेवल्स पे आता है तो ये क्वालिटी का सप्लाई, क्वालिटी का डिमांड जोन है दोस्तों, ठीक है। इस डिमांड जोन का जो रेंज है दोस्तों वो 18,040 रुपये से लेकर के 17,970 रुपये के बीच का लेवल है दोस्तों, 17,970 रुपये से लेकर के 18,040 रुपये के बीच का ये लेवल है। यहाँ पास अगर प्राइस आता है तो मार्केट ऊपर की तरफ डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी का डिमांड जोन है दोस्तों। तो अगर इस लेवल पे आता है दोस्तों तो हम यहाँ से डेफिनेटली निफ्टी को लॉन्ग करेंगे, यानी कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज पुट सेल करेंगे, कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे, ये कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी हो गई। अब दोस्तों, हमारे पास लाइव मार्केट में, आज के दिन लाइव मार्केट में कोई भी हमारे पास ढंग का न डिमांड जोन बना है, ना ही सप्लाई जोन बना है दोस्तों, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग कैंडल तो बनी है दोस्तों, लेकिन इसका भी बनने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पास स्ट्रेंथ हमको नजर पे नहीं आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमारे पास केवल और केवल एक ही क्वालिटी सप्लाई ऊपर है और दूसरा क्वालिटी डिमांड नीचे है दोस्तों, इसके अलावा तीसरा और कोई सिनेरियो नहीं है दोस्तों। तो बेहतर है हम वेट करेंगे, प्राइस या तो इस रेंज पे आए या तो इस रेंज पे आए, ये भी हो सकता है कि इस रेंज पे जल्दी प्राइस आएगा तो यहां से निफ्टी जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन करेगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो ये निफ्टी का 22 दिसंबर का ऑप्शन चेन का चार्ट आप लोग के सामने में लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। पुट राइटर्स जो होते हैं वो तेजी की पोजीशन, सॉरी मध्य की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं, और जो कॉल राइटर्स होते हैं वो तेजी की पोजीशन,
सॉरी दोस्तों, कॉल राइटर्स जो होते हैं वो मध्य की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं, जो पुट राइटर्स होते हैं वो तेजी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं। यहाँ पर जो डाटा है दोस्तों वो 11,60,30,82,88,54,00,00 एज कम्पेरिजन टू कॉल राइटर्स 70,24,62,63,73,29,00,00 यहाँ पर जो डाटा है दोस्तों ये कॉल राइटर्स का ज्यादा है एज कम्पेरिजन टू पुट राइटर। ठीक है, यहाँ पास कॉल राइटर्स का डाटा थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है एज कम्पेरिजन टू पुट राइटर, तो मैं भी यहाँ पास से मार्केट जो नीचे जाएगा ये हमें डाटा भी कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पास से मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए फटाफट से बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको ये बोला था कि बैंक निफ्टी में अभी तो फिलहाल किसी भी लेवल पे आप शॉर्ट मत करिएगा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को गलती से भी शॉर्ट नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें अभी जो ट्रेंड है दोस्तों, सबसे पहले ट्रेंड देखिए, ट्रेंड जो है हमारा अप ट्रेंड है और यहाँ पास इस स्विंग लो को ब्रेक किया है, लेकिन हमारे पास ना लोअर हाई ना लोअर लो है, तो हम यहाँ पास जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड टू साइडवे मानेंगे, अप ट्रेंड टू साइडवे ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो जब तक हमारे पास लोअर हाई लोअर लो नहीं मिलेगा तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं मारेंगे। तो और दूसरा चीज ये कि हमारा ऑल टाइम हाई को ही अप्रोच करके आ रहा है दोस्तों, तो हमें अभी यहाँ पास बिल्कुल भी बैंक निफ्टी को गलती से भी शॉर्ट नहीं करना है दोस्तों। जिन लोगों ने यहाँ पास पोजीशन भी बनाई होगी वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से प्रॉफिट में तो नहीं रहे होंगे, या रहे भी होंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पास नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट रहा है वो प्योरली साइडवे रहा है दोस्तों। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, नीचे का ये डिमांड जोन है दोस्तों। इसके बीच में कोई भी ना क्वालिटी का डिमांड जोन है ना क्वालिटी का सप्लाई जोन है दोस्तों। तो मैंने आपको बोला था वेट करिएगा, या तो इस लेवल पे आएगा प्राइस या तो इधर जाएगा, तो मैंने शॉर्ट करने के लिए वैसे ही मना किया हुआ था, लेकिन ये जो लेवल मैंने बताया था डिमांड का लेवल, यह 42,508 रुपए से लेकर के 42,376 रुपए के बीच का लेवल है, ये क्वालिटी का डिमांड जो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पास प्राइस आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक देने का उम्मीद है दोस्तों, पूरा चांस है, क्योंकि अभी जो अपना ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है दोस्तों। ठीक है, अप ट्रेंड में अप ट्रेंड का ट्रेड ले तो ज्यादा बेनिफिट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी का, और कल के दिन पे हमें जो भी ट्रेड लेना है वो ध्यान में रखना है कि यहाँ पास या तो हमें लाइव मार्केट में कोई ढंग का लेवल मिल जाए जो कि अभी तक नहीं मिला है दोस्तों, तो यहाँ पास वेट करना है, या तो हमें लाइव मार्केट में कोई लेवल मिल जाए, अदरवाइज हम वेट करेंगे कि वो इस लेवल पे आएगा तो ही हम यहाँ से निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, यानी लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पास एंट्री लेनी है, कहाँ पास एग्जिट लेना, कहाँ पास टारगेट लेना दोस्तों। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का चार्ट आप लोग के सामने पे लगा हुआ है, 22 दिसंबर एक्सपायरी का। ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि तेजी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं, ये कॉल राइटर्स बैठे होते हैं जो कि मंदी की पोजीशन बनाने के लिए बैठे होते हैं। यहाँ पास जो डाटा है पुट राइटर में, ये 20,18,20,21,11,23,00,00 एज कम्पेरिजन टू कॉल राइटर 13,27,17,18,11,14,11,00,00 यहाँ पास जो डाटा है दोस्तों ये पुट राइटर साइड ज्यादा है एज कम्पेरिजन टू कॉल राइटर, तो ये हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि अगर इस लेवल पे आएगा तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन असमंजस वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पास निफ्टी जो है ये डाउन ट्रेड की तरफ, डाउन की तरफ, डाउनफॉल की तरफ इशारा कर रहा है, वही बैंक निफ्टी आपका अप ट्रेड की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों। तो ठीक है, देखते हैं दोस्तों कल के दिन क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी है, कहाँ पास पॉसिबिलिटीज बनती है, कहाँ पास हमें निफ्टी को बाई करना है, कहाँ पास बैंक निफ्टी को बाई करना है, कहाँ पास सेल करना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो में, निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में, मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।